लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब नहीं रहे। 98 वर्षीय दिलीप कुमार सांस से संबंधित बीमारी के कारण मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहाँ आज सुबह 7:30 बजे पत्नी सारा बानो की मौजूदगी में उन्होंने अंतिम सांस ली। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। एक प्रोड्यूसर के कहने पर उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया था। उन्हें ट्रेजेडी किंग भी माना जाता। 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने वाले दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म जुगनू थी। मुगले आजम उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली चर्चित फिल्म थी। 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्म अंदाज, आन, दाग, बेदेवदास, आजाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, गोपी और क्रांति जैसी फिल्मों के जरिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब नहीं रहे। 98 वर्षीय दिलीप कुमार सांस से संबंधित बीमारी के कारण मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां आज सुबह 7:30 बजे पत्नी सारा बानो की मौजूदगी में उन्होंने अंतिम सांस ली। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था। एक प्रोड्यूसर के कहने पर उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया था। उन्हें ट्रेजेडी किंग भी माना जाता है। 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने वाले दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म जुगनू थी। मुगले आजम उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली चर्चित फिल्म थी। 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी मशहूर फिल्मों में अंदाज, देवदास, मुगले आजम, गंगा जमुना, गोपी और क्रांति प्रमुख हैं, जिनके जरिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। हम लोग रहे नहीं, 40-50 साल से ज़्यादा हम लोगों का स्नेह था। मैं बचपन से उनको एडमायर करता था। मुंबई में आने के बाद इनके हमारे रिश्ते गहरे हुए। कई क्षेत्र में मिलकर काम करने का मौका मुझे इनके साथ मिला। उनका क्षेत्र कला का था, मेरा क्षेत्र राजनीति का था, मगर राजनीति के क्षेत्र से लोगों की सेवा करने के लिए नॉन पॉलिटिकल जितने कार्यक्रम हम लेते थे, ऐसे कार्यक्रम में हमेशा सहयोग देने में दिलीप कुमार आगे रहते थे। दिलीप कुमार जी का जो देहांत हुआ है, निधन हुआ है, हम सब सदमे में हैं। मुंबई का उनका रिश्ता बहुत ही अलग था। सालों साल मुंबई में रहे, शिवसेना के साथ, खास करके बालासाहेब ठाकरे जी के साथ उनके रिश्ते बहुत ही दोस्ताना रहे। उस जमाने में हमने देखा है दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, ये सब बाला साहब के यहाँ आते थे, बाला साहब उनके यहाँ जाते थे। तो ये रिश्ता बहुत ही गहरा था। बहुत बड़े कलाकार थे, इंसान थे, अच्छे इंडस्ट्री के रियल बादशाह। उनके जाने से एक युग समाप्त हुआ है और ये युग वापस कभी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि दिलीप कुमार एक ही होते हैं और एक ही रहेंगे। दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।